Hello, welcome back to my channel and this side Vandana from Bob TV. आज का हमारा बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जो कि है What are the qualities of model? अगर आप मॉडल बनने की सोच रहे हैं so this is really very important for you to note down the following 10 points I'm explaining today. उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अदर वीडियोस भी हैं उसको भी शेयर करो. अगर आपको ये भी पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलो. सो अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट्स की साइड. मैं 10 पॉइंट्स कवर करूँगी आज के जो हमारी वीडियो है. इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो इफ़ यू आर विलिंग, अगर सच में आपके अंदर से है सीखने के लिए, सो प्लीज़ मेक अ नोट और वीडियो के साथ साथ वो चीज़ नोट करो या फिर आप कहीं भी अपने फ़ोन में नोट करो पॉइंट्स, सो दैट कि आपके लिए ये अडेप्ट करना इजी रहे. क्योंकि 10 पॉइंट्स है, समटाइम्स यू फॉरगॉट, भूल सकते हैं या कुछ और चीज़ें हैं. तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट आप कवर ना करें. सो अब चलते हैं हमारे टिप्स की साइड. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स? Clearly show your existence of your confidence, of your leadership and discipline. You can clearly show to others. These are the quality of a good model. अगर आप model हैं तो सबसे important और बहुत ही important और effective point है इसका confidence. आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते. कॉन्फिडेंस इतना चाहिए कि सामने खड़ा बंदे को लगे यस ही इज अ मैन और ही इज अ वुमन, या जो भी आप मेल हैं फीमेल हैं. सो कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, वो है कम्युनिकेशन. बी इन टच विद योर प्रोफेशनल्स एंड इंटरेक्ट विद एवरीवन. यस, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो, आप किसी से झिझके ना जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप टच में रहें अपने प्रोफेशनल्स के, जहाँ से आपको पता है आपको बिजनेस मिलने वाला है. और दूसरा, इंटरेक्ट करते रहें. समटाइम्स आप लेट सपोज आप कभी डिस्कनेक्ट हो गए अपने प्रोफेशनल से, लेट सपोज आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपका मॉडलिंग शूट चल रहा है, उसके बाद भी आपका वो बिजनेस क्लोज हो गया, उसके बाद भी आप उनको ग्रीटिंग्स भेजें, कोई ओकेशंस हैं उस पर आप उनको विशेज भेजें, सो दैट कि आपका एक सर्कल क्रिएटेड रहे, कभी वो डिस्कनेक्ट ना हो. कम्युनिकेशन मैंने जैसे आपको बताया बहुत ज़रूरी है मॉडलिंग में. कॉन्फिडेंस हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड अनदर वन इज कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, बी इन टच विद योर प्रोफेशनल्स, राइट. एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट इज शो रिगार्ड्स, राइट. मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको हम्बल भी रहना पड़ता है, रिगार्ड्स शो करने पड़ते हैं. अपना जो कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपना कैरेक्टर को जिस हिसाब से डिफाइन करेंगे पब्लिकली, वो वैसे ही जाएगा. अगर आप उसको नेगेटिव शो करेंगे तो वो आगे जाके नेगेटिव ही आपको रिजल्ट्स देगा. अगर आप उसको पॉजिटिव शो करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा. सो यू शुड शो हाई रिगार्ड्स, स्टीम, कंसर्न्स फॉर अदर, राइट. कंसर्न शो करना आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, सो एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है किसी सेकेंड पर्सन पे या थर्ड पर्सन पे. आपके नेचर से बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती है. इससे आपको शूट्स में बहुत मदद होती है, आपके बिजनेस में, कैरियर में, ग्रोथ में बहुत मदद होती है. एक ये बिहेवियर आपका जज करता है. अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है डोंट बी स्केयर्ड और नर्वस टू बी यूनिक. अगर आप मॉडल है और आपको डर लगता है किसी चीज़ों से, नर्वसनेस होती है कुछ यूनिक करने से, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है. सो ऑलवेज ट्राई टू बी यूनिक. जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला में किया था,
अपना बिल्कुल ही एक यू नो एफ्रो लुक और उसमें डायोर का जो उसने सिल्वर गाउन पहना और एक डिफरेंट सा उसने अपने आप को अडॉप्ट किया उस टाइम पे. सो इसे कहते हैं यूनिक होना, कॉन्फिडेंस होना कि किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने, बट उसने अपने में कॉन्फिडेंस बनाए रखा. सो दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी यूनिक एंड डोंट बी नर्वस टू बी यूनिक. जैसे आपने मेट गाला में ये पॉइंट नोट किया कि भी और भी लोग थे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट, उन्होंने अडेप्ट की हुई थी पर्सनैलिटीज, उन्होंने कैरी किया हुआ था ड्रेसेस और उन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ें क्रिएट करी. सो दिस इज द यू नो वी कैन स्टेट दैट दे आर नॉट स्केयर्ड, दे आर नॉट नर्वस टू बी यूनिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू बिल्ड अप, जिससे कि भी आपको कभी डर ना लगे, कभी एक्सपेरिमेंट करने में हिचकिचाए ना. Another fifth point is you should be well informed and multi talented. Yes, अगर आप मॉडलिंग में है तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए. जैसे मेरी पास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि भी आपको मेकअप आना चाहिए, वॉक्स की मैंने वीडियो बनाई, रैम्प वॉक तो ऑब्वियसली मॉडलिंग में है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट मेकअप के अलावा और भी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर. मल्टी पर्सनैलिटी आपको बनना ज़रूरी है जिससे कि आपका सक्सेस जो है कहीं भी उसमें कोई हर्डल ना आए. हर्डल आ भी रही है तो आप मल्टी टैलेंटेड है तो इजीली आप उसको कवर अप कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी टैलेंटेड. आज के टाइम में लाइक लड़कियां क्या करती है, सबसे पहले मॉडलिंग से शुरुआत करती है, मॉडलिंग के बाद सीधा बॉलीवुड में, बॉलीवुड से हॉलीवुड में. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो मल्टी टैलेंटेड है, उनके अंदर स्किल्स है मॉडलिंग के, सिंगिंग के, एक्टिंग के, पेंटिंग्स के. अब जैसे अपने प्रियंका चोपड़ा की बात करी, उसने मॉडलिंग से कैरियर शुरुआत की थी, उसके बाद एक्टिंग में, सिंगिंग में, फिर उसके बाद सीधा बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड. सो उनकी सक्सेस किस वजह से आई, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है, कॉन्फिडेंस है, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती, नर्वस नहीं रहती. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लिए. नेक्स्ट हम चलते हैं डाउन टू अर्थनेस and humbleness and willingness to confess your mistakes if happen. So humbleness बहुत important है. जैसे मैंने आपको बताया initial days पर आपको बहुत ही humble रहना पड़ेगा. You never know कि आप shoot करते time जो भी photographer है, हो सकता है कोई you know बहुत ही हेडेक वाली जॉब होती है, समटाइम्स वो कोई किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है और हम्बलनेस शो करनी है जिससे कि आप सबका दिल जीत सके. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम टॉपिक पे. दिस इज डू सुपीरियर थिंग्स आउटसाइड द एरिया और आउटसाइड योर जॉब. बींग अ मॉडल आपको कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए लाइक डोनेशंस करनी चाहिए जिससे कि आपका नाम रहे, आपके कैरेक्टर डिफाइंड हो. तो आपने देखा होगा बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, मॉडल्स हैं, वो ये सब करते हैं. इसके पीछे ये पॉइंट है कि भी एक आप लैम्प लाइट्स में तो रहते ही रहते हैं, उसके अलावा एक आपका जेस्चर होता है, आपका कैरेक्टर शो होता है दैट यू आर अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन. जनता आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लग जाती है, लाइक करने लग जाती है. सो ये रीजंस होते हैं ये एक्टिविटीज़ करने के लिए. आप डोनेशन करें या फिर किसी की हेल्प करें, कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करें. सो ये एक बहुत ही कैरेक्टर को डिफाइन करने वाली थी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिससे कि आपको सक्सेस मिलने में आसानी रहेगी. नेक्स्ट चलते हैं हम एट पॉइंट पे. गुड ग्रूमिंग एंड एबिलिटी. गुड ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर होल बॉडी, होल लुक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ग्रूमिंग के साथ साथ आपको अपनी बॉडी टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी बॉडी को छोड़ देंगे, एक दो बार एक्सरसाइज किया नहीं किया, सो उसके बाद आपका कैरियर स्पॉइल होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट हेल्थ, फिटनेस, स्टेमिना, मैंने जैसे आपको बताया. सो इस चीज़ का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है. अब हमने जो अभी 8 पॉइंट डिस्कस किया है, होप यू ऑल लाइक दैट पॉइंट्स. इसको नोट करो, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो सो दैट कि आपको कभी दिक्कत ना आए मॉडलिंग में. ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा हर चीज़ के लिए क्यों ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि व्हाट इज़ योर गोल। अगर आपका गोल डिफाइन नहीं है किसी भी चीज़ में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑल इज़ वेस्ट। व्हाई इट इज़ वेस्ट, क्योंकि अगर आपका लाइफ में गोल डिफाइन नहीं है तो आपकी अचीवमेंट्स वहीं क्रॉस हो जाएंगी, वहीं ताला लग जाएगा आपकी अचीवमेंट्स पे। सो मेक अ पॉइंट, आप नोट करो, इसको अडेप्ट करना स्टार्ट करो, जिससे आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अनदर वन पॉइंट, दैट इज नंबर 9th पॉइंट, पेशेंस, स्टेमिना एंड हेल्थ एंड फिटनेस टू मैनेज विद लॉन्ग एंड टायरिंग डेज एंड ट्रैवलिंग। या ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैवलिंग रहेगा, स्टेमिना मेंटेन करना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए मैं नहीं आऊँगी और कोई नहीं आएगा, ये आपको करना है। इवन अगर आप अपना पर्सनल ट्रेनर भी रखते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से नहीं फील होता कि यस मुझे ये करना है। सो ये आप गांठ बांध लो कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो करनी, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं सो नो वरी, योगा करो। और भी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो विदाउट जिम पॉसिबल हैं, तो आप वो करो, लेकिन आप इस चीज़ को स्किप मत करो। ये बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि हेल्थ मेंटेन है तो आपका कैरियर मेंटेन है, अगर हेल्थ मेंटेन नहीं है तो आपका कैरियर ज़ीरो है। लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू मैनेज विद रिजेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म। You have to accept the reality. आपके अंदर ability होनी चाहिए rejections को accept करने की and criticism को. So why I'm saying this? कि sometimes you are going to look some projects और आपको वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड ये तो मुझे ही मिलना था, आई एम द सुपीरियर वन, उसे क्यों मिला, इसे क्यों मिला। नहीं, हम्बलनेस मैंने आपको इसीलिए बताया, चीज़ों को रिजेक्शंस अगर हो रही हैं तो ये सोचो कि मे बी इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही। अब बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड के लिए ऑडिशंस देते हैं बट वो रिजेक्ट हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। तो इस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, रिजेक्शन हो गए दैट इज़ फाइन, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडलिंग, ये चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे रिजेक्शंस। सक्सेस भी होगी तो वो तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट रिजेक्शंस एक्सेप्ट करने में हिचकिचाइए या स्ट्रेस मत लीजिए, डिसअपॉइंट मत हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हज़ारों ऑडिशंस दिए हैं और आज के टाइम दे आर ऑन द टॉप। सो फेलियर से क्या होता है, आप इम्प्रूव होते हैं डेली। अगर आप सोचें कि मैं फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस पा लूँ या फर्स्ट टाइम में मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं निराश हो गई, मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, इग्नोर कर दी, मैं दूसरे प्रोफेशन में चली गई, सो उससे इट इज़ नॉट अ हल कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ सल्यूशन। आपको पहले गोल सेट करना है, उसके बाद ही अपना कैरियर स्टार्ट करना है। मॉडलिंग करनी है तो मैंने जो 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आप नोट डाउन करें और इसको डेली बेसिस पे आप लाइफ में अडॉप्ट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी फील ना हो, निराशा ना हासिल हो, निराशा ना हासिल करनी पड़े कि भी यार मैंने ये क्यों लाइन चुनी। आपको सोचना ना पड़े किसी चीज़ को लेके कि ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, मॉडलिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड जस्ट वर्क ऑन यू, वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।